जी हाँ दोस्तों, अब आपको हथौड़ी से कील मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब मशीनरी का युग है और मशीनरी टाइम में अब इतनी शानदार मशीनें आ गई है कि आपको काम बहुत ही फास्ट, जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में होने के लग गया, और बहुत ही आसान तरीके से। ये कील की गन है, इसमें कील जो स्टेपलर की पिन की तरह आती है पूरा इसमें सेट कर देते हैं। और दोस्तों ये हाइड्रोलिक कंप्रेसर से चलने वाली है, ये किस तरह इसे यूज़ आती है आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें कील मार के आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप देख सकते हैं कंप्रेसर से चलने वाली है, और हल्का सा इसमें पुश पड़ते ही है ऑटोमेटिक कील इसमें पुश कर देती है दोस्तों। कंप्रेसर से फुल्ली कंप्रेसर चलने वाली है, एक इलेक्ट्रिक भी है, मैं आपको वीडियो में वो आगे बताऊंगा इलेक्ट्रिक वाली। तो दोस्तों काम बहुत ही फास्ट हो गया है। अगर आपको दोस्तों इलेक्ट्रिक नेल लेनी है तो आप दोस्तों मकीटा की ले सकते हैं, मैंने इसको एक नंबर पे रखा है। और इसके बाद दोस्तों दूसरी जो नेल गन है वो भी आपको दिखा दूंगा, वो थोड़ी सी इससे मॉडल अलग है, तो मकीटा इज़ द बेस्ट है। और इसके अलावा दोस्तों जो लोकल की है वो आपको दिखा देंगे, मेरे को लोकल की ज़्यादा इतनी नहीं अच्छी लगी, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों दिखा देते हैं। तो दोस्तों लोकल की ये नेल गन है, ये भी हाइड्रोलिक कंप्रेसर है, इसमें दोस्तों ये इस तरह पूरी पुश होती है, इसमें पिन पूरी डल गई, स्टेपलर की तरह मैंने आपको बताया था उस तरह की पिन आती है। तो इस तरह दोस्तों पिन है जो पूरी लकड़ी के बहुत अंदर तक जाती है, कम से कम 1 mm 1.5 mm अंदर की ओर इसमें चली जाती है। जैसे जितना प्रेशर आप करोगे, जितने अंदर डालनी है उतनी अंदर, और जितनी बाहर रखनी है कील को ठोकने के बाद। तो दोस्तों ये पूरी मेटल की है बनी हुई ये हाइड्रोलिक गन, तो मेरे को दोस्तों ये भी बहुत अच्छी लगी, पुरानी है लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। तो इसमें दोस्तों आप अगर सतह के बराबर करना चाहते हैं बराबर भी कर सकते हो, ऊपर करना चाहते हो ऊपर भी कर सकते हो, तो जितना आप इस पर प्रेशर दोगे उतने ही